दीपावली के पावन त्योहार पर लजीज मिठाइयों का स्वाद भला कौन लेना नहीं चाहेगा। उपभोक्ताओं की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन ने शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां उपलब्ध करवाने के लिए मंडी के सेरीमंच के समीप अपना आउटलेट खोला है। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस आउटलेट का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि शुद्ध स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयां त्योहार पर जश्न की भावना को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि क्लीन व ग्रीन दीपावली मनाते हुए इन मिठाइयों के निराले स्वाद का आनंद लें। दिवाली के पावन त्यौहार पर लज्जत भरी मिठाइयों का स्वाद भला कौन नहीं लेना चाहेगा। उपभोक्ताओं की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन ने शुद्ध देशी घी से बनी मिठाइयां उपलब्ध करवाने के लिए मंडी में सेरी मंच के समीप अपना आउटलेट खोला है। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने गत दिवस इस आउटलेट का विधिवत शुभारम्भ किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि शुद्ध स्वादिष्ट व स्वास्थ्य पूर्वक मिठाइयाँ त्यौहार पर जश्न की भावना को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि क्लीन वो ग्रीन दिवाली मनाते हुए इन मिठाइयों के निराले स्वाद का आनंद लें। इस दिवाली के लिए ये दुकान लगी हुई है। इस दुकान के माध्यम से अच्छी मिठाई और एक सरकार का जो एक इंटेंशन है कि इस मिल्क प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज करें और ये मिठाई लोगों तक पहुँचाए, तो अच्छी एक मिठाई यहाँ पर लोगों को घर द्वार पर मिलेगी। लोग जो अपनी खरीदारी करने यहाँ पर छोटे में आते हैं, मेरा मार्केट में आते हैं, उस साथ में यहाँ से मिठाई भी जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो आज इसका हमने शुरुआत की है और दिवाली तक ये रहेगी। इस बार ये प्रयास भी हमारा है कि जहाँ तक यहाँ पर मिल्कफेड अपनी तरफ से नई नई मिठाइयाँ यहाँ पर लाने की कोशिश करता है, वैसे हम चाहेंगे, लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ अधिकारियों से भी बात की है कि अगर लोग अपने सुझाव भी यहाँ पर दे दें तो आने वाले दिनों के लिए और भी बेहतरीन मिठाइयाँ या जो लोग पसंद करते हैं उस तरह की मिठाइयाँ मिल्कफेड की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सकती है। गौरतलब है कि उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए मिल्क फेडरेशन ने पिछले साल की तुलना में इस साल 100 क्विंटल अधिक मिठाइयां तैयार करवाई हैं। मिल्क प्लांट चक्कर के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश पाठक ने मिल्क फेड के आउटलेट पर सस्ते दामों पर शुद्ध मिठाइयां मिलने का दावा करते हुए बताया कि इस साल मिठाइयों के प्रति 400 ग्राम पैक का मूल्य पिन्नी 200 रुपये, पंजीरी 210 रुपये, मिल्क केक 190 रुपये, पेड़ा 200 रुपये, बीकानेर बर्फी, डोडा बर्फी, सोहन पापड़ी, कोकोनट बर्फी 200 रुपए के हिसाब से मिलेगी। मिल्क फेडरेशन मिठाइयाँ बनाती है। इस वर्ष हमने लगभग लक्ष्य लगभग 100 क्विंटल पिछली वर्ष की मात्रा से अधिक बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली वर्ष लगभग 350 क्विंटल बनाई थी, इस बार लगभग 450 क्विंटल का लक्ष्य रखा है। और हर वर्ष की भांति हमारा यह शेरी मंच पे स्टॉल लगता है, जिसका आज डीसी महोदय ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। हम हर वर्ष की भांति हमारे पास 14 प्रकार की मिठाइयाँ हैं और हमारा मिल्क फेड का यही प्रयास रखता है, सब शुद्ध देसी घी से बनी है और यही प्रयास रखता है कि जो लोगों को शुद्ध मिठाइयाँ मिले, क्योंकि इसके दीपावली के अवसर पर बहुत मिलावट होने का अंदेशा होता है। तो मिल्क फेड का यही प्रयास है कि हम ये मिठाइयाँ हम खुद बनाते हैं। शिमला में हमारा प्लांट है, वहाँ खुद बना के फिर लोगों को उपलब्ध करवाते हैं।